टुडे वी विल स्टडी स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम विच इज यूज टू कंपेयर जीरोज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज कॉल्ड स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम. सो लेट Q1 एंड Q2 आर टू पॉजिटिव फंक्शंस विद Q1 ग्रेटर देन Q2. Let y1 be a non-trivial solution of equation y double prime plus q1 y equals to 0, and let y2 be a non-trivial solution of differential equation, another equation with the coefficient Q2. Then solution of first Y1 vanishes at least once between any two successive zeros of y2. For example, let us take one equation, y double prime plus 4y. okay, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? साइन 2x एंड कॉस 2x. एंड लेट अस टेक वन अनदर इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या है? साइन एंड कॉस, ओके, q1 4, q2 1, q1 ग्रेटर देन q2. अब जीरोज की अगर हम बात करें, लेट अस टेक दिस सोल्यूशन साइन 2x. तो साइन 2x वैनिश कहां पे होगा? जीरो पे, पाई पे. तो 2x पाई, तो x क्या आ जाएगा? पाई बाई 2. और इसका सोल्यूशन क्या होगा? वैनिश कहां पे होगा? जीरो और पाई. तो जो स्मॉलर वाला है उसके जो दो जीरोज हैं, जीरो और पाई, उनके बीच में जो बिगर वाला है ये, उसका एटलीस्ट वन जीरो होगा. ठीक है, साइन एक्स की जीरो है जिस पे वो जीरो बन रहा है, जीरो और पाई. और साइन टू एक्स कहाँ पे वैनिश होगा? जीरो और पाई बाई टू. यानी कि दो जीरो जो हैं उसकी, साइन एक्स की जीरो और पाई, उनके बीच में साइन टू एक्स की वन जीरो है. एंड दिस थ्योरम सेज दिस. सो यू कैन कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां तो मैंने नॉन लिया है ना, ये तो दोनों नॉन थी. सो वी नो द सोल्यूशन. सो बट इफ वी डोंट नो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देन यू कैन कंपेयर दैट इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब मान लो 4 ना होता, कुछ और होता. लेट अस से यू हैड एनी अनदर फंक्शन. ओके, लेट अस से यू हैव ए फंक्शन क्यू हियर. And you know that, अब information हम तो कुछ तो पता होगा कि q मान लो 1 से बड़ा है. ठीक है, q यानी function. So still you can apply same result between two zeros which are 0 and pi,
ओके सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वैनिशेज एट लीस्ट वन, तो इनके बीच में फर्स्ट इक्वेशन का एट लीस्ट वन जीरो होगा, कहीं भी होगा दैट प्रिसाइज लोकेशन मे बी नॉट नोन बट यू कैन मेक ए प्रेडिक्शन दैट यू यू हैव यू विल हैव वन जीरो. ओके सो स्टर्म थ्योरी का एम भी ये है कि एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट अननोन है, सो ट्राई टू मेक कंपैरिजन विद नॉन, जिसके सॉल्यूशन पता हो उससे आप कंपेयर करने की कोशिश करो, देन यू कैन मेक सम, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. सो वी आर नॉट सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बट वी कैन प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन वेयर सॉल्यूशन विल वैनिश. ओके सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम. प्रूफ इज अगेन बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज. सो फर्स्टली राइट द अजम्पशन लेट y1 एंड y2 आर टू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. Of differential equations, so y1 is a solution of first equation, and y2 is a solution of second equation, and let q1 and q2 are two for positive function. With q1 greater than q2. So firstly we will assume two zeros, ye na ki do zeros ke beech mein two, so firstly let us suppose two zeros of, so let x1 and x2 be successive जीरोज. किसका सक्सेसिव जीरो? स्मॉलर वाले के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है, q2 के अकॉर्डिंग. अब q2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है y2, सो x1 एंड x2 आर टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ y2. सक्सेसिव मींस विद नो जीरो बिटवीन देम. ओके सो दीज आर जस्ट कंजक्टिव जीरोज. सो मे बी यू हैव ए फंक्शन y2. So you have precisely two zero. Okay, so these, let us say these points are x1 and x2 for function y2. So again we will prove by a contradiction. So seeking a contradiction, अब शो क्या करना है, y vanishes, जो y1 है, जो भी y1 होगा, so y1 has 1 0. Inside, but on the contrary, we assume that y1 is not vanishing. So y does not vanish on this interval x1, x2. Okay, so. वी कैन प्रूव, अभी इनको दोनों को आप पॉजिटिव ले सकते हो चाहे आप नेगेटिव ले सकते हो, सो सेम प्रूव विल एप्लीकेबल. सो फर्स्टली आई एम अज्यूमिंग दैट बोथ y1 एंड y2 आर पॉजिटिव, एंड अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई विद -1 एंड यू कैन रिपीट द सेम आर्गूमेंट टू प्रूव इफ y1 एंड y2 आर नेगेटिव. तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे आप सक्सेसिव जीरो ले रहे हो तो ऐसा भी केस हो सकता है, पूरा फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है. ओके सो रिजल्ट इज सिमिलर इन बोथ केसेस. हाँ बट ये नहीं होगा,
कि एक पॉजिटिव है, ऐसे नहीं होगा। तो अगर ये एक्स वन एक्स टू है तो फिर ये जीरो बन गया बीच में, ठीक है। या तो फंक्शन यही होगा एक्स वन एक्स टू, या फिर ऐसा ही होगा, से दिस इज एक्स वन दिस इज एक्स टू। ओके, सो एज दीज आर टू सक्सेसिव जीरोज एंड नो नो जीरो इन साइट, सो वी अज्यूम बोथ वाई वन एंड वाई टू दे आर पॉजिटिव ऑन एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो अगर आप ये केस लेते हो, हमने पिछली थ्योरम में भी प्रूव किया था, डिस्कस किया था मैंने, कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है एक्स वन पे वो जीरो है तो उसका मीनिंग क्या है। अगर फंक्शन पूरा जीरो हो फिर तो डेरिवेटिव जीरो है, बट अगर फंक्शन एक्स वन पे जीरो है और पॉजिटिव है तो फंक्शन ग्रो करेगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक्स टू पे अगर ये अब ये अगर ग्रो ही करता रहा, इंक्रीज करता रहा, तो फिर जीरो बनेगा नहीं। तो अगर फंक्शन जीरो बन रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक पॉइंट होगा, फिर ये डाउन होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तभी जीरो बनेगा। अगर फंक्शन नॉन जीरो है, तो यही आर्गूमेंट हम लिख रहे हैं दोबारा से। सो दिस मीन्स दैट वाई टू एक्स वन पे इंक्रीज करेगा और एक्स टू पे डिक्रीज करेगा। देन राइट रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन एंड वाई टू, देन रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन एंड वाई टू इज दैट इज वाई वन वाई टू प्राइम माइनस वाई टू वाई वन प्राइम। नाउ राइट इट्स डेरिवेटिव, जस्ट डिफ्रेंशिएट इट। सो आई एम स्कीपिंग एक्स, सो एवरीथिंग इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जस्ट डिफ्रेंशिएट इट। सो यू गॉट वाई वन वाई टू डबल प्राइम माइनस वाई टू, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। वैसे दो यहां से आएगा, दो यहां से, फोर टर्म, बट टू टर्म विल कैंसिल, यू कैन चेक। इसका डेरिवेटिव करोगे वाई वन डैश वाई टू डैश, इसका करोगे वाई टू डैश वाई वन डैश, सो दैट विल कैंसिल आउट। ओके, नाउ फिट वाई टू, वाई टू सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये थी, वाई टू सेटिस्फाई करेगा वाई टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू टू वाई टू। एंड सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा माइनस क्यू वन वाई वन। सो रिप्लेस सेकेंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट, ओके, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई टू एंड वाई वन, सो रिप्लेस बोथ, सो दिस कम्स आउट क्यू वन माइनस क्यू टू वाई वन वाई टू। ठीक है जी, अब क्यू वन क्यू टू से बिगर है, दैट इज इन अजम्पशन वाई वन वाई टू पॉजिटिव है, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि क्यू वन क्यू टू से बिगर है और वाई वन वाई टू दे आर पॉजिटिव। सो जस्ट इंटीग्रेट इट, पॉजिटिव फंक्शन है ना डब्ल्यू डैश, अब इंटीग्रल करोगे लोअर टू अपर लिमिट में, इंटीग्रेट फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, लेफ्ट हैंड साइड डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है, इंटीग्रल डब्ल्यू होगा, अपर लिमिट फिट करोगे लोअर लिमिट, अब राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है,
इसका इंटीग्रल कर रहे हो ना, पॉजिटिव थिंग है, लोअर स्मॉलर टू बिगर में इंटीग्रल करोगे, दैट विल बी पॉजिटिव. सो दिस मीन्स दैट रॉन्स्कियन एट एक्स टू ग्रेटर देन रॉन्स्कियन एट एक्स वन. लिख सकते हैं, ठीक है जी. एंड अब रॉन्स्कियन एट एक्स वन क्या होगा? दिस इज रॉन्स्कियन, क्या वैल्यू आएगी बताओ एट एक्स वन? x1 पे y2 जीरो हो रहा है ना, चलो x1 पे वैल्यू क्या आएगी, y1 x1 y2 डैश x1 माइनस y2 x1 y1 डैश x1. y2 तो x1 पे जीरो बन रहा है, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा रॉन्स्कियन, y1 x1 y2 डैश x1. y1 को पॉजिटिव मान रहे हो, y2 डैश इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव. इसी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, wx2 ग्रेटर देन wx1. तो मैंने wx1 लिखा, y1 पॉजिटिव है, y2 ये सोल्यूशन है, यहां से ग्रो कर रहे हैं, x1 पे तो पॉजिटिव है ये. बट इफ यू राइट wx2, अब wx2 लिख लो सेम वे में, wx2 क्या होगा, y1 x2 y2 प्राइम x2 माइनस y2 x2 y1 प्राइम x2. अब y2 x2 पे भी जीरो हो रहा है, सो दिस टर्म विल वैनिश, सो दिस इज y1 x2 ठीक है. और हमने ये अज्यूम किया कि y1 तो वैनिश नहीं होता, ये अज्यूम किया था y1 वैनिश नहीं हो रहा, तो y1 क्या है, पॉजिटिव ही रह रहा है, तो y1 पॉजिटिव है. अब y2 डैश, y2 ग्रो किया फिर डिक्रीज करेगा, तो x2 पे डेरिवेटिव क्या होगा, ये नेगेटिव है. ओके, सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. बट हमने अब ऊपर फैक्ट क्या आ रहा है, wx2 विच इज नेगेटिव ग्रेटर देन wx1 विच इज पॉजिटिव, पॉसिबल हो सकता है नेगेटिव इज बिगर देन पॉजिटिव? ओके, सो दीज टू फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट दैट wx2 is greater than wx1. So over assumption that y1 is not vanishing, that was wrong assumption of y1 not vanishing. Was wrong. And therefore, y1 vanishes at least once between any two successive zeros of y2. And this completes the proof.
एनी डाउट इन दिस प्रूफ? एंड दिस ऑल्सो कंप्लीट्स दिस चैप्टर. दिस वॉज द लास्ट थ्योरम. Now you can write that example that I have written roughly in between the proof. So you can compare two equations, zeros of two equations. Okay, so let us take these two equations where notation mein kahe to q1 bigger wale ko maine kaha to q1 Q1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है सेकेंड की एंड Q2 स्मॉलर वन. ओके, सो द लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशंस आर साइन एंड कॉस. And fundamental solution or linearly independent solutions of second equation are sine 2x and cos 2x. Okay, so between two zeros of sine x, say 0 and pi, there is one zero of sine 2x, which is pi by 2. So in that way, you can apply Sturm comparison theorem to compare zeros of solutions of two equations. Let us take one more example. Show that the Bessel's equation, this is second order equation, show that this equation can be transformed into normal form that I already did. So this is first derivative free form. Okay, so by assuming y equals to uv and then you take v equals to exponential power minus half p dx integral kiya tha na humne pehle. I'll show you. I think we already done this one. Same again. Okay, so write it in normal form. Normal form, so y equal to uv and v is this, then fit value here u double prime plus q minus p square half by 4 minus p dash by 2. So you can convert this equation into normal form.
and which is given by this formula. And why I am converting it into normal form, because we have proved results and Skrum comparison and earlier theorem, they were proved in normal form. So in order to apply those results, firstly you need to write normal form of differential equation. And further, show that if YP be a non-trivial solution, of this equation, Bessel's equation on positive x-axis, if p is from 0 to half, then every interval of length pi contains at least one zero of YP, and if P greater than half, so I am taking three possibility. For first, G is zero equals to zero se leke half tak, then greater than half, और फिर p इक्वल्स टू हाफ पे, और वो फैक्टर यहां से आ रहा है 1 माइनस 4 पी स्क्वायर से. सो इफ p ग्रेटर देन हाफ, देन एवरी इंटरवल ऑफ लेंथ पाई contains at most one zero of YP, and finally if P equals to half, then the distance between successive zeros of YP is exactly pi. So statement looks bigger, but this is very easy. So whenever you have that you want to find gap between zeros ki kitna hai pi hai, so for equation ye to hamara जो इक्वेशन है दैट इज विद अननोन कोफिशिएंट, सो दिस इज डिफिकल्ट वन. सो व्हेन यू हैव पाई, सो ट्राई टू कंपेयर दीज इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन की जीरोज में पाई का डिफरेंस हो, तो वो कौन सा है, साइन और कॉस ही है. तो आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका दिस वन equals to zero. So जिसके रूट हैं आपके, सॉरी सॉल्यूशन है साइन और कॉस. ओके, सो फर्स्टली राइट इट इन नॉर्मल फॉर्म. तो पहले तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म इस फॉर्म में था. सो डिवाइड विद एक्स के, देन फिट take transformation y equal to uv. okay, so jo v milega that is e power minus half p dx, so that is 1 by under root x. so aap fit karna humne pehle kiya tha. so normal form jo banega wo ye hai after some simplifications.
ओके सो दिस इज माय क्यू एक्स. सो इफ आई राइट इट क्यू एक्स, ओके. अब यहां पे फर्स्ट केस इफ पी जीरो और हाफ के बीच में हो तो अल्टीमेटली वन माइनस पी स्क्वायर पॉजिटिव होगा. सो इन दैट केस वन प्लस, सो दिस विल बी ग्रेटर देन वन. सो वी अप्लाई स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम. टू बेसल इक्वेशन एंड टू इक्वेशन दिस स्टैंडर्ड. सो विच हैज सोल्यूशन, दो है साइन, ठीक है, विच हैज सोल्यूशन साइन एक्स एंड अनदर कॉस एक्स. So let us talk about one solution. Okay. So therefore, a solution U has at least one zero. अब sin x की जीरो कहाँ पे होती हैं? पाई का डिफरेंस होता है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. या आप वर्डिंग में लिख सकते हो. सो मान लो साइन एक्स की जीरो के बीच में डिफरेंस पाई होगा तो पाई डिफरेंस पे जो गिवन इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो क्यू है वो बिगर है वन से, सो वी हैव यही फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था. सो एवरी इंटरवल ऑफ लेंथ पाई कंटेन एट लीस्ट वन जीरो, देयरफॉर एवरी इंटरवल ऑफ लेंथ पाई कंटेन्स at least one zero, मतलब जो u वाली इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमने yp लिखा है. ओके अब जब p जीरो और हाफ के बीच में है तो ये फंक्शन, ये तो पॉजिटिव बन गया. अब अगर p ग्रेटर देन हाफ होगा तो फोर पी स्क्वायर लेस देन वन होगा तो इनएक्टिव बन जाएगा. फिर आपने क्या करना है, सेकंड केस में दोनों का रोल चेंज कर देना है. अगर ये नेगेटिव होगा तो साइन क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा. तो पहले आपने कंपैरिजन किसको किया था, बेसल और ये, अब उल्टा कर दो, इसको और बेसल को कंपेयर करो. सेकंड पार्ट में यही कह रहे हैं. When every interval of length pi contain at most one zero. तो इसमें कॉन्ट्ररी कैसे लिखोगे, आप बेसल इक्वेशन की दो जीरो कंजक्टिव अज्यूम करोगे अल्फा बीटा, तो उनके बीच में साइन एक्स की एक जीरो जरूर होगी. फिर यही लगेगा ना, अगर रिवर्स करोगे तो आप कि जो भी यू के दो सोल्यूशन होंगे उनके बीच में साइन एक्स का वन जीरो होगा. और साइन एक्स का हमें पता है इंटरवल पाई इंटरवल अगर लेंथ हो तो उसमें साइन एक्स का वन जीरो होता है.
लिख लोगे इसको? राइट इट. सो इफ पी ग्रेटर देन हाफ देन 1 + 1 - 4 p स्क्वायर, दिस इज लेस देन 1. सो वी अप्लाई स्टारम कंपैरिजन थ्योरम टू दिस एंड बेसल इक्वेशन एंड टू बेसल्स इक्वेशन. सो वी कंक्लूड दैट बिटवीन एनी टू कंजक्टिव जीरोज से अल्फा बीटा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 0 ऑफ साइन एक्स. So the therefore we have for some so the function sine x has at most 1 0 in interval of length pi. सेकेंड में ये कर कह रहा है ना, एटमोस्ट 1 0 प्रूफ करना है, फर्स्ट में एटलीस्ट था, तो जस्ट रोल स्वैप कर दो. और अगर पी हाफ हो जाएगा तो बेसल इक्वेशन क्या बन जाएगी? फिर तो रिड्यूस होके वो टर्म 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन. इसके सोल्यूशन आपको पता है, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर साइन एंड कॉस. नाउ नो नीड टू कंपेयर विद एनीवन, दिस इज जस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड वी नो द सोल्यूशन एंड साइन एंड कॉस एंड जीरोज ऑफ दीज फंक्शंस. डिफर बाय पाई. ओके. सो जस्ट गिवन इक्वेशन को वाई डबल प्राइम प्लस वाई से कंपेयर करना है. एक बार बेसल को फर्स्ट लेना है, उसको सेकंड, क्योंकि छोटे और बड़े का डिफरेंस है ना, तो दोनों वे में आपने लिखना है. And when p equals to half, this is just a standard equation. And you can also write let ux be any non-trivial solution of this equation. This is also a restatement of previous facts. So show that ux has infinitely many zeros. Can you prove it? कैसे करें? Any idea? किससे कंपेयर करें? ये इक्वेशन दे रखा है 1 + qx विच इज बिगर देन 1. सो व्हाट यू कंसीडर? यू कंसीडर अनदर इक्वेशन स्टैंडर्ड
तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और अगर आप क्यू वन क्यू टू में लिखोगे तो वन प्लस क्यू एक्स इज ग्रेटर देन वन, यहां पे क्यू टू है ना, क्यू टू वन है, क्यू वन ग्रेटर देन क्यू टू, सो बाय स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम U must vanish, वो ये कहता है कि सेकेंड इक्वेशन के जो जीरो जी होंगे, मान लो साइन एक्स लिया, जीरो जीरो और पाई जीरो है उसकी कंजक्टिव जीरो, कंजक्टिव जीरो के बीच में डिफरेंस पाई है, तो उनके बीच में इस इक्वेशन का U वाली इक्वेशन का भी जीरो होगा, सो U must vanish between any टू जीरो जो साइन एक्स। अब प्रूव क्या करना है, यू हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो, तो आप जीरो लेते जाओ, साइन एक्स की जीरो हैं, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, हर एक इनके बीच में एक जीरो है, हर एक के बीच में एटलीस्ट वन जीरो है, तो साइन एक्स हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो, सो यू ऑल्सो हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो, ओके, since sin x has infinitely many zeros, so ux also has infinitely many many zeros. ठीक है भाई, ओके, वन एक्सरसाइज फॉर यू, दिस सेज दैट लेट वाई वन एंड वाई टू आर टू fundamental or li solutions of given equation show that phi which is combination of y1 and y2 and psi this is beta 1 y2 plus beta 2 y2 are two linearly independent solutions if and only if alpha 1 beta 2 not equals to alpha 2 beta 1. This is part first. Second part, show that the zeros of functions a sin x plus b cos x and c sin x plus d cos x are distinct and occur alternatively whenever AD not equals to BC. प्रूव बड़ा सिंपल है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस राइट रॉन्स्कियन ऑफ y एंड psi. y1 y2 कैसे लिखते थे, y1 सेकेंड का डेरिवेटिव तो phi psi dash माइनस psi phi dash. अब कंप्यूट करना रॉन्स्कियन, ये आ जाएगा अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, साथ में आ जाएगा रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन एंड वाई टू. अब वाई वन वाई टू एल आई है, तो रॉन्स्कियन वाई वन वाई टू
इज नॉन जीरो, देन रॉन्स्कियन ऑफ फाई एंड साई दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो. कब होगा? इफ एंड ऑनली इफ. नॉन जीरो कब होगा? अगर अल्फा टू बीट ये दोनों टर्म इक्वल ना हो. ये होगा दोनों वे में लिख सकते हो, अल्फा वन बीटा टू नॉट इक्वल्स टू अल्फा टू बीटा वन, इफ एंड ऑनली इफ. मतलब अगर ये अनइक्वल होंगे तो रॉन्स्की नॉन जीरो होगा, और कन्वर्सली रॉन्स्की नॉन जीरो होगा तो ये दोनों अनइक्वल होंगे. ओके, सो यू कैन जस्ट राइट इट. ओके, एंड सेम सेकेंड पार्ट है, जीरो जो फंक्शंस. अब हमें पता है कि साइन और कॉस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सेकेंड पार्ट में कैसे लिखोगे? सो सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर टू एल आई सॉल्यूशंस ऑफ y डबल प्राइम प्लस y इक्वल्स टू जीरो, सो बाई पार्ट फर्स्ट a साइन x, फर्स्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन ही कह रहे हो, a साइन x प्लस b cos x एंड c साइन x प्लस b cos x, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस व्हेन एवर ad नॉट इक्वल्स टू bc. And result follows from Sturm comparison. Okay, so just use part first. Part first में आपने लिखा है ना linear combination, तो ये linear combination ही है दोनों का. So linear combination, these are two linearly independent solution whenever अल्फा वन बीटा टू इक्वल्स टू अल्फा टू बीटा वन. तो यहाँ इनको आप अल्फा वन को ए से रिप्लेस कर दो, अल्फा टू को बी एंड सो ऑन, एंड देन अप्लाई स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम. सॉरी कंपैरिजन नहीं करना, सॉरी अप्लाई स्टर्म सेपरेशन थ्योरम. You remember separation theorem? We say that the zeros are distinct and they occur alternatively. So just, okay, so if these are two linearly independent solutions, then Sturm separation theorem says that zeros are distinct and they occur alternatively. Okay, so I'll stop now. Any doubt?